एनएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एरिया में दोपहर को 3:25 के आसपास एसबीआई के ब्रांच में दो आरोपी घुस गए थे। उसमें से एक ने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनके ऊपर फायरिंग किया और कैशियर के पास में कैश थी लगभग 2.5 लाख के आसपास, वो लेकर वो चले गए हैं। और इस घटना में जो एम्प्लॉय थे उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। पुलिस यहाँ पर तुरंत पहुँची है, हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज देखा है और आरोपी को डिटेक्शन के लिए उनको ढूंढने के लिए हम लोग ने 8 टीम अभी लगाई है और हम लोग जल्दी उनको ढूंढ के निकाला। सर कितनी राउंड फायरिंग की है? एक ही राउंड फायरिंग। सर किस तरीके से आए थे कुछ उसके बारे में कुछ? अभी तो फिलहाल चल के आए ऐसा दिख रहा है और कोई व्हीकल का यूज़ किया है वो भी हम लोग ढूंढ के निकाले। अभी मैंने बात मेरे ध्यान से तकरीबन दोपहर में 3:30 का समय था, 15:18 का टाइम था और हम लोग मैं जस्ट मेरे टावर के बाहर बैठा हुआ था और एकदम सुनसान एरिया था, कुछ कोई था ही नहीं। जनरली दोपहर के टाइम यहाँ कुछ रहता ही नहीं है और उतने में मैं देख रहा हूँ कि दो लोग भाग रहे हैं यहाँ से, तो हमें नॉर्मल ऐसे लगा है, जनरली बच्चे लोग कुछ भागते रहते हैं। और 2 से 3 मिनट के बाद देख रहा हूँ तो हमारे पास के SBI बैंक में ऐसा कुछ ऐसा हादसा हो गया और 3 से 4 मिनट के टाइम में इस तरह का हो गया। पता चला कि बैंक के अंदर एक कर्मचारी को गोली भी मार के और अभी फिलहाल शताब्दी हॉस्पिटल उसको लेके गए, शायद तो वो डेथ हो गए ऐसा सुनने में आ रहा है। जो लोग भाग रहे थे उनकी हलिया कैसी थी? कैसी? सर एक ने टोपी पहना हुआ था, वाइट शर्ट था, एक पहले लड़का भाग रहा था फिर उसके पीछे जस्ट 30-40 सेकंड में दूसरा उसके पीछे भाग रहा था। भाग के लोग दोनों जा रहे थे। क्या हुआ था? सर ये तो मुझे अंदर गए वो लोग क्योंकि दोपहर के 3:30 क्लोजिंग टाइम रहता है बैंक का और क्लोजिंग टाइम में जनरली कोई रहते नहीं है, वही टाइम पे ये हुआ है। जिसको गोली लगी उसका नाम सुनने में आ रहा है संचित करके एक आदमी था अंदर, संचित, उसको गोली लगी हुई है और उसको शताब्दी हॉस्पिटल लेके गया हुआ है। आपका नाम क्या है? प्रवीण मकवाना, मैं यहाँ ही गुरुकुल टावर में रहता हूँ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.